दोस्तों लोग हज़ारों रुपये खर्च करके मनाली शिमला जाते बर्फ़ देखने के लिए, और यह मेरा एसी हर रात मुझे फ्री में बर्फ़ दिखवाता है। भाई क्या हो गया तुझे, अब तो इतनी गर्मी भी नहीं है जो तुझे इतनी मेहनत करनी पड़े। एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। नहा धो के हम लोग तैयार हो चुके हैं। बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए आज, क्योंकि इतने टाइम से जो मैं यूट्यूब का पैसा आया था, बहुत ज़्यादा नहीं आया लेकिन जो भी आ रहा था मैं उनको बचा रहा था एक नए फ़ोन के लिए। तो फाइनली वो दिन आ गया जब मैं एक नया फ़ोन लेने वाला हूँ, स्पेशली फॉर व्लॉगिंग, क्योंकि हर जगह ये मैं कैमरा होता वो लेके जाना पॉसिबल नहीं होता। वैसे मैं एक दिन पहले भी गया था जो आपने लास्ट वाले व्लॉग में देखा होगा, लेकिन आज 99.9% श्योर हूँ कि मैं फाइनलाइज कर लूँगा फ़ोन कौन सा मुझे लेना है, और लेके आ ही जाऊँगा यार कैसे ना कैसे। अब बहुत दिन हो गए, बहुत सोच लिया, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर ली इंटरनेट पे, फाइनली अब आज जाना है और लेके ही आना है फ़ोन। तो अब इस ब्लॉग के एंड में हमें एक न्यू फ़ोन दिखने वाला है आपके पास है। इस ब्लॉग के एंड में क्या, बीच में ही दिख जाएगा जैसे मैं फ़ोन लूँगा, लेकिन अब वही है कि आज ले लूँ, बस फाइनलाइज कर लूँ कि भैया नहीं यही लेना है। हालांकि अमेजोन की ग्रेट इंडियन सेल आने वाली है, बट नॉट श्योर वो कब तक आएगी। कुछ कह रहे हैं मिड अक्टूबर में, कुछ कह रहे हैं एंड ऑफ अक्टूबर, और उससे पहले शायद हमारा एक और ट्रिप हो जाएगा तो मुझे फ़ोन चाहिए होगा। ये जो पैसे हैं जो मैं यूट्यूब मनी से था वो बचा रहा था गोप्रो के लिए, क्योंकि मेरा गोप्रो जो पुराना वाला था वो ख़राब हो गया था 7, बट अभी उसमें थोड़ा टाइम है, मैंने कहा फ़ोन ही ले लेता हूँ। तो चले ओके चलते हैं। सबसे पहले मुझे ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि नहा तो लिया, तैयार हो गया, लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तुमने कर लिया? अच्छा, बाकी सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैं ही रह गया। बस देखते हैं जैसे घर पे बना गया है। बारिश के वेदर में इतनी सारी चीटियाँ होगी ना यहाँ पे, जरा सा कुछ रख दो तो पूरा का पूरा चीटियों से फैल जाता है। चलो गाइस, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे रास्ते में। तो गाइस हम लोग सबसे पहले आए थे यहाँ पे सेक्टर 12 में, छोटा सा कुछ काम है, बट वो छोटा सा काम है ना थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1 से 1.5 घंटा। वो निपटाने के बाद फिर हम लेने जाएंगे फ़ोन। आपको इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब आज फ़ोन आ ही रहा है। आज मैं पूरा माइंडसेट लेके आऊँ, और पता है क्या हुआ, निकलते निकलते ना मैंने ऐड देखा अमेजोन का ग्रेट इंडियन सेल, तो अब मेरे दिमाग में वो भी घूम रहा है। मैंने कहा अब ऐड देने लग गया अमेजोन, तो इसका मतलब ये है कि जल्दी सेल आने वाली है, और उस सेल में ना बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिलता है। लेकिन डेट नहीं दिखा रहे ना, कमिंग सून दिखा रहे हैं। अब पता नहीं कब तक आएगी वो सेल। चलो देखते हैं, अब आए हैं तो लेके जाऊँगा। गाइस दिल्ली में इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही है ना, ये पीछे बारिश हुई तब तक तो बहुत अच्छा वेदर लग रहा था, ऐसा पूरा पहाड़ वाला माहौल आ रहा था, लेकिन उसके बाद अब टेम्परेचर 36, और दिल्ली में जब से हर जगह कैमरे वगैरह लगे हैं, यहाँ पे भी देखो 50 की स्पीड है, 50 से ऊपर तो मैं भगाता ही नहीं कहीं पे भी, मतलब 60 भी होगी ना कहीं, तो ऐसी आदत हो गई है कि दिल्ली में भगाने की 50 से ऊपर गाड़ी जाती नहीं ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है, वो आदत ही होगी अंदर। ऑफिस आवर्स होते हैं तो ट्रैफिक नहीं निकलने देता, और रोड खुली मिलती है तो फिर कैमरे के डर से चलाने का मन नहीं करता। रेड लाइट ही होगी अब तो। यहाँ कैमरे नहीं लगे क्या? इन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग पे कैसे खड़ी कर दी गाड़ी? तो बाइक वाले भी पक्के यहाँ पे कैमरे नहीं होंगे, तभी ये बाइक वाले आगे निकल रहे हैं। मतलब बाइक और स्कूटी वालों के लिए तो रेड लाइट है ही नहीं, तो क्रॉस भी करके। मेरे दिमाग में ना अभी भी वो अमेजोन की ग्रेट इंडियन सेल वाली घूम रही है। फिलहाल तो मैं सेक्टर 7 पहुँच गया, रामफल चौक। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है गाड़ी पार्किंग मिल गई तो फिर आप पूरा मार्केट पैदल घूम सकते हो। अब मुझे ढूंढना है सैमसंग का स्टोर कहाँ था लास्ट में पार्किंग करी थी, तो इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है या इस साइड पे, कोई याद नहीं आ रहा। पूछता हूँ किसी से, लोकल से। पत्थर पे चढ़ा दी मैंने गाड़ी यार, ये लो हाइट होने का ना यही प्रॉब्लम होता है, गाड़ी हर जगह लग जाती है। ओके मिल ही गया सैमसंग का स्टोर। सर 2 फ़ोन है, A52 और S20 FE। इसी कितने का अभी? 50,000 का। इस पर डिस्काउंट नहीं चल रहा अभी? ठीक है ये वाला कर दो फिर, और 9 मंथ्स की EMI कर दो। हाँ 9 मंथ। फाइनली आज फ़ोन लेके जा रहा हूँ। पिछले 3 दिन से घूम रहा था फ़ोन A52, और इसमें बहुत कंफ्यूज हुआ, बट मुझे लगा कि शायद वो इसकी ना कैमरा क्वालिटी और स्टेबिलिटी अच्छा है। इसमें ऐसा कर कुछ है ना, मैं 2 नैनो सिम यूज़ कर सकता हूँ, या तो फिर एक या 1 से 1.5 का। ठीक है देखो, वैसे 128 GB बहुत है कि आप वीडियो शूट कर सकते हो, आपको ले तो मेरे आता है, पिक कम भी पड़ सकता है। इसके ऊपर कुछ स्क्रीन गार्ड वगैरह लगा हुआ है अभी या नहीं? लगा हुआ है। अच्छा लगा हुआ है, कंपनी बड़े मॉडल्स में लगा के देखिए आपको। ओके ठीक है। बाकी और बड़े टेम्पर्ड नहीं होगा ना? टेम्पर्ड नहीं होता, स्क्रीन प्रोटेक्शन गार्ड होता है। कितने वॉट का मिलता है? आता 15 वोट है, लेकिन आप 25 वोट तक यूज़ कर सकते हो इसमें। अच्छा हाँ जी। अच्छा इसमें 3.5 जैक नहीं है? नहीं सर, इनमें आपको ईयरफोन ये सब टाइप से यूज़ करना पड़ता है। अच्छा कन्वर्टर कैसे, सही लग रहा है? चलो थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सैमसंग स्टोर था जहाँ से हम लोगों ने सैमसंग का मोबाइल लिया, फैसी बात है। बाकी इस फ़ोन के बारे में डिटेल में घर जब पहुँच जाऊँगा तब बात करूँगा। इस फ़ोन में मुझे अभी स्क्रीन गार्ड लगाना है एंड बैक कवर लेना है क्योंकि बहुत महंगा फ़ोन है, मेरे लिए सबसे महंगा फ़ोन है। अभी तो मैंने जितने पुराने फ़ोन लिए ना उन सबको कोई प्लस कर लूँ ना तो ये सिंगल फ़ोन उससे ज़्यादा महंगा है, क्योंकि अभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं रखा अभी फ़ोन वगैरह महंगे लेने में। वॉकिंग पूरी फुल है, क्या बीच में लगा के जाओगे? कॉटन में हो गया ओ साला, पानी वाली जगह बचती है हमारे लिए हमेशा। ये इतना पार्किंग का चार्जेस करते हैं तो ये कि साफ क्यों नहीं करते इसको? तो द्वारका में मुझे टेम्पर्ड और बैक कवर तो मिला नहीं, इसलिए हम लोग आगे डिस्ट्रिक्ट सेंटर। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं मोबाइल से रिलेटेड, आई होप कि यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो भैया की शॉप से मैं टेम्पर्ड और एक बैक कवर मिल गया, यही वाला बैक कवर देख रहा था। इसमें क्या बोला डबल कवर, एक तो ये देखो ये थोड़ा सा पोर्शन बैक वाला उठा हुआ है जहाँ पे लेंस होता है, तो ये एक प्रोटेक्शन ये हो गई। ऊपर से एक स्लाइड वाला है तो डबल प्रोटेक्शन। मेरे को पता नहीं है ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है इसकी, कितना चलेगा, लेकिन मिल गया यहाँ से। आर एम मोबाइल्स डिस्ट्रिक्ट सेंटर। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाडी है। लाडी निकनेम भैया का, लाडी ओरिजिनल नेम पता नहीं क्या है लेकिन लाडी के नाम से फेमस है भैया। अब ये नया फ़ोन है ना तो इसका हर शॉप पे मेरे को मिल नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे मिल गया तो अब मेरे को ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। पीछे भी कुछ लगाना है इसका? पीछे तो कुछ लगाना है, बैक कवर ही है बस, बाकी देखूँगा फ्यूचर लगेगा तो। बाकी भैया से भी मैंने अपना चैनल सब्सक्राइब करवा लिया। S20 FE से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वाइड एंगल है, बढ़िया फ़ोन लग रहा है अभी तक तो। अभी दीपा अपने लिए बैक कवर ले रही है, ये ऐसे ठीक तो है इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम था क्या देखो लूज़ हो गया और ये पॉकेट में आता नहीं क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ बैक कवर का। कुछ स्लिम सा देख रहे हैं, गर्लिश वगैरह कुछ है, दिखा दो। इतना ज़्यादा मैं मोबाइल लेने में टाइम नहीं लगा जितना ये टेम्पर्ड और बैक कवर लेने में लग गया। उसका मेरा तो हो गया था अभी दीपा के लिए बैक कवर, क्योंकि इसका मॉडल बहुत पुराना है, इसका बैक कवर मिल नहीं रहा था इतनी, मतलब इतनी वैरायटी नहीं मिल रही थी। और फ़ोन के बैक कवर ढूंढते बहुत ज़्यादा भूख लग गई तो हम लोगों ने हनी चिली और 2 जूस मंगाए हैं। एक और चीज़ आने वाली है, मोमोज़। और ये फ़ोन कितने का था, कितने का डिस्काउंट पड़ा मुझे, फाइनल प्राइस घर जाके बताऊंगा। और ये बैक कवर भी अच्छा बैक कवर लगा यार मुझे। हमारे मोमोज भी आ गए, मतलब हमारे नहीं जो हमने मंगाए हैं। आपने पूरी लाइफ में बहुत सुना होगा अपने लोग, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार। आज मैंने एक और चीज़ ढूंढ ली, अपनों का बैंक। बस ऐसी मुझे कोई बैंक चाहिए, बड़ा सा लोन दे दे और मैं आईफोन ले लूँ। क्वालिटी सही है। मम्मी की फ़ोटो खींच, कैसी आई फ़ोटो दिखी मम्मी की? सही फ़ोटो आई ये, वो है वाटर प्रूफ मम्मी, पानी में भी ख़राब नहीं होगा ये, वाटर रेजिस्टेंट। मम्मी कैसा लगा फ़ोन? मुझे क्या पता, आप पैसे लगाइए अच्छा ही लगेगा। अमाओ तो फोन उड़ाओ। 3 साल बाद लिया मैंने ये फ़ोन। 3 साल ज़्यादा हो गए, फिर कितने साल चलते हैं आजकल के फ़ोन? 3 साल ही चलते हैं। कितने साल हो गए? क्या अभी तो लिया था सस्ते सस्ते लो, 5,000 का 10,000 का। उसमें वीडियो नहीं बनेगी ना। लो फोन, ये गिफ्ट भी रखा है। हाँ फादर गिफ्ट है। हाँ फादर्स डे चला गया लेकिन अगले वाले फादर्स डे के लिए ये बड़ा हो गया यार, इतना इतना लाना था ये। आजकल सारे फोन बड़े आते हैं, ज्यादा ही बड़ा हो गया यार। तुम तो थोड़ी ले रहो, अपन तो ले रहो, ज्यादा बड़ा हो गया, इतना ही होना चाहिए इतना, इसमें से नहीं। उसके 2 करवा के लाता हूं वो, फिर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा भैया, ग्रेट इंडियन सेल आने वाली है ना। ये सुनो ही रुपया लगो तुम ना पशु ना आदमी को। तो एक फ़ोन तो अच्छा होना ही चाहिए। मम्मी भी कैमरा अब बोल नहीं पा रही हम, नहीं तो 3-4 डायलॉग मार देती होंगे हम। नहीं लोग क्या बोल ही रही हूँ मैं, खाली पैसा बर्बादी नहीं भैया, तब आप बोलो परवल ले लो। 1 लाख में प्लॉट मिल जाएगा। 1 लाख ना वाल तब तो वाल प्लॉट कम का है, वो सस्ता है। कितना सस्ता है? 40,000 का। 40,000 का 40,000 ले जाएगा दो। अरे दबा के रखो उसको, लिटिल लॉन्गर, लिटिल लॉन्गर एडजस्ट। एक अलग अलग ऐसे करके साइड बाई साइड करो। तुम तो ऐसा लग रहा है मुझे आदि वासी जमाने की किसी लड़की को सिखा रहा हूँ। तुम्हारे फोन में भी तो फिंगर वाला है। हाँ है। तो आराम आराम से करो ना, दर्द 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 हो गया, डन कर दो। अच्छा 3 ही कर सकते हैं बस। तो फ़ोन आपने देख लिया मैंने कौन सा खरीदा है, S20 FE ये वाला। ये एक्चुअली देखने में कुछ ऐसा है, वैसे मैं कवर हटा के दिखा देता हूँ ये दिखता कैसे। इसका रीज़न क्या था बाय करने का, मैंने 850 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4K में 30 FPS पे रिकॉर्ड करता हूँ अल्ट्रा वाइड में, तो मुझे स्टेबलाइजेशन अच्छा मिल रहा था और नॉर्मल स्टेबलाइजेशन में इसका A52 से काफ़ी अच्छा था, तो मैंने इसलिए ये ले लिया। मैंने कहा थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था उससे, लेकिन क्योंकि मैंने नो कॉस्ट EMI में लिया तो मेरे को ये सही मिल गया। और नो कॉस्ट EMI जो मैंने कराई है वो कराई मैंने 9 मंथ्स की, 5,500 के आसपास मेरी पर मंथ की EMI जाएगी, विच इज़ अंडर द बजट। मेरे को सही लगा कि ठीक है, एक साथ पैसे जाने से बढ़िया है कि 9 महीने में चला जाएगा। ये फ़ोन 50,000 के अराउंड है, क्योंकि मेरे पास HDFC का क्रेडिट कार्ड था तो उन्होंने मुझे अलग से 6,000 का इसमें डिस्काउंट दिया, तो मेरे को अराउंड 44,000 का मिला। 44,000 प्लस उसके बाद क्योंकि मैंने इसकी एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन ली थी और वो मेरे को अराउंड पड़ा 3300 रुपये यानी 3300 का। मैंने कहा यार क्योंकि महंगा फ़ोन है, स्टार्टिंग ये एक साल ना थोड़े बड़े क्रूशियल होते हैं, ऊपर से मैं ब्लॉगिंग करूँगा तो ये स्टाइल मेरा रहेगा, कहीं इसमें छूट गया फ़ोन हाथ से और डैमेज वगैरह हो गया तो एटलीस्ट एक साल तक मेरा फ़ोन जो है वो कवर्ड रहेगा। इसके साथ एक और चीज़ मिलती है, एक तो सी टाइप केबल है चार्जिंग और ये अडेप्टर जो है ये फास्ट चार्जिंग बोलते हैं बट ये 15 वोल्ट का है। बट उसने मेरे को सजेस्ट किया था कि आप 25 वोल्ट का खरीदो अलग से, बट मैं क्यों खरीदूँ भाई अलग से पैसे देख के, तो मेरे लिए 15 वोल्ट सही है। गाइस यही था जो मैंने अभी तक यूट्यूब से पैसा कमाया वो इस फ़ोन को लेने में लगा दिया है। हालांकि मेरा मन थोड़ा सा ऐसा था कि मुझे अल्ट्रा वाइड में 60 FPS मिल जाए, बट कोई 50,000 की रेंज में भी कोई फ़ोन ऐसा नहीं था जिसमें 60 FPS मिल रहा हो। आईफोन था, आईफोन 11 था जो अराउंड मेरे को ऑनलाइन अमेज़ॉन पे 49,000 का, लेकिन वो सिर्फ 64 GB था और 64 GB आप व्लॉगिंग करो वो तो एक दिन भी नहीं चलेगा। ऊपर से क्या था जो 11 है वह है 4G और मतलब मैं मैक्सिमम उसे 1-2 साल यूज़ कर पाऊँगा और 60,000 रुपये किसी फ़ोन में इन्वेस्ट करना, फिर उसको पता है कि उसके लिमिट सिर्फ 2 साल है, मैं चाह के भी चला नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आने वाले टाइम में मुझे अपग्रेड करना ही पड़ेगा 5G में, जैसे 3G से हम लोगों ने 4G में किया था। तो गाइज़ यही था मेरा यूट्यूब मनी से जो मेरा अभी तक आया था, क्योंकि मेरी मोनेटाइजेशन काफ़ी पहले ऑन हो गई थी, क्योंकि मेरे वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आते तो मेरी अर्निंग थोड़ी कम है, लेकिन जो भी था वो मैंने सेव किया। पूरा तो नहीं कहूँगा, इसमें थोड़ा बहुत मैंने इन्वेस्ट भी किया अलग से, जो यूट्यूब मनी आई थी उसके अलावा भी अलग से किया, बट मेरे को एक फ़ोन मिल गया और ये मेरा फर्स्ट मोबाइल रहेगा जो मैंने एज अ व्लॉगिंग खरीदा हुआ है। तो बहुत एक्साइटमेंट है कि अब प्रॉपर जो मैं ऑलमोस्ट डेली व्लॉग तो स्टार्ट कर रहा हूँ वो कर पाऊँगा और आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए होगा। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट में लिखो, रिप्लाई मैं करूँगा।